हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज ममता वर्मा. एंड लास्ट क्लास में हमने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स थॉमस किड को डिस्कस किया था. सो नेक्स्ट मेंबर है हु आल्सो बिलोंग टू द यूनिवर्सिटी विट्स एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज जॉन लिली. जिसका टाइम पीरियड है 1553 to 1606. सो जॉन लिली है, ही इज ऑल्सो फेमस, ही इज नोन फॉर हिज रोमांटिक कॉमेडी. उसने उसके जो वर्क है उसका मोस्टली जेनरा है वो रोमांस है, रोमांस और कॉमेडी. ठीक है, सो रोमांटिक कॉमेडी के लिए वो जाने जाते हैं. सो फर्स्ट इसका वर्क है दैट इज यूफिस द एनाटॉमी ऑफ विट. Anatomy of Wit है, ये एक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है जिसका पब्लिकेशन है 1578. सो यूफिन्स है एंड सेकंड जो इसका जो इसी का सीक्वल है यूफिस एंड हिज इंग्लैंड. ठीक है, जिसका पब्लिकेशन 1580 है. सो इट इज द सीक्वल ऑफ बोथ, ये इसका सीक्वल है और दोनों में स्टोरी है वो यहाँ सेकंड जो इसके सीक्वल में है वहां जाके कंप्लीट होती है. तो दोनों ही एक बुक एक स्टोरी है, यहाँ ये बुक डिफरेंट है, ये इसका सीक्वल है. सो स्टोरी क्या होती है, यहाँ यूफिन्स होता है, यूफिन्स इज द मेन कैरेक्टर. यूफिस Euphys is the protagonist and इसका friend होता है Philotas. Philotas is his friend and Lucilla, his beloved Lucilla. So Lucilla होती है, they both loves to that girl Lucilla. So story क्या होती है, Euphys है, he is a protagonist of the story. And he lives his house in the search of knowledge and wisdom. So वो ज़्यादा से ज़्यादा knowledge achieve करना चाहता है, wisdom achieve करना चाहता है, इसलिए वो घर से निकलता है. And he goes to Naples. वहाँ Naples जाता है. And he meets to the person Philotas. वहाँ Philotas से मिलता है. So he becomes his best friend. और वहाँ जाके इसका best friend बन जाता है. दोनों जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं. So when he meets to the Lucilla, then he immediately falls in love. वो Lucilla से जब मिलता है तो वो उसे प्यार करने लगता है. But Lucilla is already in love with Philotas. Lucilla होती है वो already Philotas के प्यार में है. But she also loves to यूफिन से भी प्यार करती है. But Lucilla है, she is not an honest person. She is not a loyal person. She is not a faithless person, faithful person. So both jo friends hai, Euphys and Philotas, when Philotas comes to know about this, Euphys also loves to Lucilla. Then they both quarrels, fight to each other for the girl's Lucilla. Dono fight karte hain and they broke their friendship. Wo dono kya kar lete hain, apni friendship ko tod leti hain. सो नाउ बुक सेकंड स्टार्ट होती है यूफिन्स एंड हिज इंग्लैंड. सो व्हेन बोथ द फ्रेंड्स यूफिन्स एंड फ्लोस्टस केम्स टू नो दैट लुसिला नाउ फ्लस्ट विद द थर्ड पर्सन एंड अदर बॉयज, देन दे केम टू यू नो रियलाइज अबाउट देयर मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द लुसिला, दैट लुसिला इज नॉट ए ऑनेस्ट पर्सन, सी इज नॉट ए फेथफुल गर्ल्स एंड सी फ्लस टू वन पर्सन, सी लिव्स हिम, देन सी ऑल्सो फ्लस टू द नेक्स्ट अनदर पर्सन. सो सी कंटिन्यू केप्स ऑन दिस एंड सी इज नॉट ए फेथफुल गर्ल्स. देन दे बोथ द फ्रेंड हैं वो समझ जाते हैं एंड दे ऑल्सो री यूनाइटेड अगेन. दोनों फ्रेंड अगेन फ्रेंड बन जाते हैं एंड दे गोज टू द इंग्लैंड. ना वो इंग्लैंड जाते हैं इन सर्च ऑफ द नॉलेज. And Euphys says he is a mature person. He gains knowledge and experience and he advises to the
फिलोस्टस एंड ही केप्स ऑन फिलोस्टस, वह फिलोस्टस है उसकी देखभाल करता है, उसको गाइड करता रहता है। तो ये स्टोरी है, इसमें ज्यादा नहीं है, कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो एक स्टेटमेंट है स्टोरी में, जो कोटेशन है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये जो स्टेटमेंट है, कई बार आपने बॉलीवुड मूवी में भी देखी होगी, हीरो या हीरोइन सब जो में जो भी फाइट होती है तो कई बार हीरो बोलते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसी रोमांटिक कॉमेडी से ली गई है, यूफिन्स एंड द एनाटॉमी ऑफ विट। ये आपको ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई ये स्टेटमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट जो रोमांटिक कॉमेडी है, नेक्स्ट जो प्ले है जॉन लिली का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड प्ले है इसका कैम्पेस्ट है, ये एक कॉमेडी है जिसका पब्लिकेशन है 1584। कैम्पेस्ट है, इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट होता है, अलेक्जेंडर जो किंग होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एंड सेकंड होता है कैम्पेस्ट, कैम्पेस्ट इज ए गर्ल्स, हिज बिलव्ड होती है ये, बिलव्ड ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट। एंड थर्ड पर्सन होता है एफेल्स, एंड एपिलेस होता है, ही इज ए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है ये, पेंटर, ओके एपिलेस। सो स्टोरी क्या होती है इसमें कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है, अलेक्जेंडर लव टू कैम्पेस्ट, तो ये कैम्पेस्ट भी प्यार करता है। एंड सी इज वेरी ब्यूटीफुल, फेयर, गॉर्जियस मैडन होती है। एंड ही वॉन्ट्स टू मेक हिज हर पोर्ट्रेट, वो उसकी पिक्चर है, उसका पोर्ट्रेट है, वो बनवाना चाह रहा है कि ही कैन कीप हिज हर पोर्ट्रेट एट हिज हाउस, एट हिज रूम। तो वो उसका पोर्ट्रेट बनवाना चाह रहा है। एंड ही कॉल्स ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिनोम्ड फेमस जो आर्टिस्ट होता है, ग्रीक आर्टिस्ट एपिलेस, उसको बुलाता है। एंड ही मेक हिज पोर्ट्रेट, वो उसका पोर्ट्रेट बनाता है, कैम्पेस्ट का पोर्ट्रेट बनाता है। एंड व्हेन बाय द मेकिंग ऑफ हिज पोर्ट्रेट एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो एपिलेस होता है ही ऑल्सो फॉल्स इन लव विद कैम्पेस्ट। तो उसका पोर्ट्रेट बनाते बनाते वो भी उसके प्यार में उसके प्यार में पड़ जाता है। तो ये स्टोरी होती है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कैरेक्टर्स के नाम ध्यान रखने हैं, उन मेन जो प्लॉट लाइन है उसका कि इसकी स्टोरी किस पे बेस्ड है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ जो इसका जो रोमांटिक कॉमेडी है, दैट इज साफो पाओ, साफो पाओ है, जिसका पब्लिकेशन है 1584। सो इसका सिर्फ टाइटल आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। एंड लास्ट जो है ग्लाथिया, नेक्स्ट जो इसकी ग्लाथिया है इज ऑल्सो रोमांटिक कॉमेडी ग्लाथिया। ग्लाथिया तो जिसका पब्लिकेशन है 1585, और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है। सो ग्लाथिया क्या होती है, इसमें ग्लाथिया इज द मेन करेक्टर और प्रोटैगनिस्ट। ये एक गर्ल्स है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, फेयर मैडन है, और यहाँ गॉड जो गॉड होता है, गॉड जुपिटर, गॉड नेपच्यून, गॉड नेपच्यून, यू नो गॉड नेपच्यून इज द किंग ऑफ गॉड, किंग ऑफ गॉड, सभी गॉड्स का जो देवता होता है गॉड नेपच्यून, गॉड नेपच्यून इज द गॉड ऑफ सी, समुद्र का देवता है ये, गॉड ऑफ सी, जुपिटर होता है भाई किंग ऑफ गॉड, तो ये नेपच्यून है, सी इज द गॉड ऑफ, ही इज द गॉड ऑफ सी, तो ये समुद्र का देवता है इसमें। और यहाँ जो ग्लाथिया है, सी इज ए फेयर मैडन, ग्लाथिया
She is fair, fair, beautiful, beautiful girl. ठीक है. सो ये स्टोरी क्या होती है इसमें कि गलाथिया है, सी बिकेम्स यंग फेयर ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द विलेज एंड एवरी ईयर हर विलेजर्स हैव टू सैक्रिफाइस ए वन फेयर मैडन टू द गॉड ऑफ सी नेपच्यून. मतलब जो नेपच्यून है, जो गॉड ऑफ सी है, समुद्र का देवता, इसको गांव वालों को हर बार एक जो सबसे सुंदर यंग मेच्योर और सबसे जो फेयर गर्ल होती है वो उसको देना पड़ता है, उसका सैक्रिफाई करना पड़ता है गॉड ऑफ सी मतलब नेपच्यून को. अदरवाइज ही स्कोल्स, मतलब गॉड नेपच्यून है वो गांव वालों को स्कोल करता है. अदरवाइज ही ड्रोन टू होल द विलेज, अदरवाइज वो पूरे गांव को वो उसमें डुबो देगा. तो नाउ इट इज द टाइम फॉर द गलाथिया, क्योंकि गलाथिया है सी, नाउ सी बिकेम्स मेच्योर यंग, बहुत ज्यादा सुंदर गर्ल्स है गांव की वो. तो उसका फादर है एक सेफर्ड है और उसको ये टेंशन है कि जो मेरी बेटी है उसको भी अब गॉड नेपच्यून को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सो ही एडवाइज हर डॉटर दैट सी डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए बॉय. वो अपनी डॉटर को एडवाइस देता है कि वो अपने आप को एक लड़का है उसको डिस्गाइज उसका रूप ले ले, सो दैट नोबडी कैन रिकॉग्नाइज हिम, कि उसको कोई पहचान ना पाए कि वो एक फेयर मैडन गर्ल है. ठीक है. तो ये स्टोरी है इसमें गलाथिया में. ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फ्लोट जो आउटलाइन है इनका वो ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ से डीप में कभी क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है. जो डीप में जो फेमस वर्क होता है उसको मैं यहाँ डिटेल में करवा देती हूँ जितना, क्योंकि एग्जाम के लिए नेट एक हाईएस्ट एग्जाम है लिटरेचर का, तो उसमें इतना तक ही पूछते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. इसमें किस वर्क में डीप में जाना होता है उसको मैं डिटेल में आपको करवा दूंगी. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट जोन. नेक्स्ट रिमेनिंग हम